की जानकारी। आज कलेक्टर ऑफिस का विजिलेंस टीम रेती निकालने वालों पर कार्रवाई करने के लिए दीवा खड़ी गया था, वहाँ पर उन लोगों को दो बार्ज मिले हैं, उसमें से एक बार्ज पे जिलेटिन और डिटोनेटर मिले हैं, उसमें से जिलेटिन 16 कांडी है और 17 डिटोनेटर मिले हैं। आगे की कार्रवाई चालू है, हम लोग पंचनामा करके कायदेशीर कार्रवाई करें। रेती बनकर जिस तरीके से पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है, इस तरीके से जिलेटिन का मिला और वो भी अवैध खनन के दौरान, कितना यह घातक हो सकता है आने वाले समय में? जो अभी बार्ज मिले हो यहाँ पर रेती अपना गणेश विसर्जन घाट पे नहीं मिले, वहाँ आगे खाड़ी में मिले हैं, यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन का बराबर बंदोबस्त रहता है। सर, आने वाले समय में सन जिस तरीके से गणपति हो या अदर दीगर त्यौहार आने वाले, उसके मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा जो है और बढ़ाई जाएगी यहाँ पे? रेती उत्खनन पे जिलाधिकारी कार्यालय से वहाँ से कार्रवाई होती है, पुलिस स्टेशन पे आज तक कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है। अगर ऐसी कुछ कंप्लेंट पुलिस स्टेशन पे आती है तो हम लोग कार्यशील कार्रवाई करने वाले हैं। जिलाधिकारी लगातार कार्रवाई कर रही है, जो समोर बगाड़ी इकडे क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? हां, बूम को डाउन कर बता दीजिए। माजा बूम ने जिलेटिन की जो गाड़ी मिली है, उसमें वो बाज में थी और उसका व्यापार किस लिए होता है वो हमें भी पता नहीं, और जिलेटिन है वो भी हमारे स्टाफ थे, पुलिस कांस्टेबल थिटमे मेजर, उन्होंने बताया कि ये जिलेटिन की गाड़ी है, तो उसे पता चला ये जिलेटिन है। तो फिर बाद में हम जब इधर आए तो पुलिस यंत्रणा भी आ गई, तो उन्होंने कार्रवाई आगे की उसमें की है। रेती बंदर जो है हमेशा रहबरी का इलाका रहता है, यहाँ पे शाम के टाइम अनेक लोग यहाँ पे पर्यटन स्थल के नाम पे रहते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों में सन भी है यहाँ पे, तो क्या लगता है उसी को देखते हुए इस तरीके से जिलेटिन की काड़ियाँ मिले, कहीं कुछ ना कुछ होने की आशंका बताई जा सकती है? ये बोल नहीं सकता, क्योंकि ये बात जो है वो रेती के लिए यूज होता है जो बात हमने, और उसके साथ सेक्शन पंप भी था, तो ये रेती के लिए बात है। कितना जिलेटिन की कांडियां मिली है जिसमें कुछ जो है सेट भी रेडी था जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था, उसके बारे में आपको पुलिस यंत्रणा जानकारी दे सकती है? की कांडियां पाई गई है जितने कितनी थी वो मैंने काउंट नहीं की, जो थी वो पुलिस को दिखाया और उन्होंने वो निकाली। सर, आपका पूरा नाम और आपका पद? मेरा नाम सचिन भोईर है, मैं सीनियर क्लर्क हूँ कलेक्टर ऑफिस थाना।